नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर के जज और वकील क्यों पहनते हैं काले कोट। फैशन नहीं है, कारण जान लीजिए, असल वजह ये है। बहुत सी बार आपने भी सोचा होगा कि आखिरकार वकील और जज काला ही कोट पैंट क्यों पहनते हैं, क्या ये कोई फैशन है या कोई रूल है। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको हर मालूमात मिल सके। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सड़क पर चलते हुए अगर आपको काला कोट पैंट और सफेद शर्ट पहने कोई व्यक्ति नजर आए तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि वो एक वकील है। फिल्मों में या असल जिंदगी में आपने कोर्ट में जज को काले रंग की ही पोशाक पहने देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर जज और वकील काले ही रंग का कोट पैंट क्यों पहनते हैं, किसी और रंग का क्यों नहीं पहनते? आज हम इसी सवाल का जवाब आपको देने जा रहे हैं। जज और वकील का काला कोट किसी फैशन की निशानी है या कोई और कारणों के चलते उनकी ड्रेस ऐसी हो गई है? काला कोट पैंट वैसे तो दूसरे प्रोफेशन में भी पहना जाता है, पर जज और वकील की इनसे ही पहचान है। लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, वकील या जज काला कोट ही क्यों पहनते हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार काला रंग अनुशासन, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। साथ ही सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसे में जब वकील और जज काला कोट और सफेद शर्ट पहनते हैं तो वो भी शक्ति, अनुशासन और पवित्रता की मूरत बन जाते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है वो बिना गलत का साथ दिए सच के साथ खड़े रहेंगे और कानून को जीत दिलवाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि कानून अंधा होता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वकील और जज काला कोट पहनते हैं। न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी बंधी होती है, दूसरे प्रोफेशन से अलग करती है काली पोशाक। दूसरा कारण ये है कि काला कोट वकीलों और जज को अन्य प्रोफेशन के लोगों से अलग दर्शाता है। ट्रेन में अगर आप चल रहे हैं और आपने काले कोट पहने किसी व्यक्ति को अगर देखा तो आपको सबसे पहले टिकट चेक का ही ध्यान आएगा, पर सड़क पर निकल जाएं तो काले कोट वाले व्यक्ति को देखकर आपको वकील ही ध्यान में आएगा। इसके अलावा 1961 में एडवोकेट एक्ट नियम बना था, जिसके तहत वकीलों को काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तब से कोर्ट में वो काला कोट ही पहनते हैं। वकीलों और जजों के काला कोट पहनने के पीछे इतिहास से जुड़े भी कुछ कारण हैं। साल 1694 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी द्वितीय की मौत चेसक से हुई थी। तब उनके पति विलियम्स ने सभी जज को अंतिम संस्कार पर काले रंग की पोशाक पहनकर आने को कहा था, क्योंकि पश्चिमी देशों में काला रंग दुख का प्रतीक होता है। अगले कुछ सालों तक राष्ट्रीय शोक जारी रहा और जज काली पोशाक ही पहनकर कोर्ट जाने लगे। बस तभी से ये चलन में आ गया। एक कारण ये भी माना जाता है कि ब्रिटेन में ठंड काफी पड़ती थी, इस वजह से काली पोशाक पहनी जाती थी जिससे ठंड कम लगती थी, क्योंकि काला रंग धूप सोखता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।